सब हमारे आशिक है। बीच में आ गई थी अपनी दोस्त के पास, एक लैश मेरी लग चुकी है, एक मेरी आंख की आधी रहती है और ये कब अब 4:30 बजे कर रहे हैं। मेरी लैशेज लग चुकी है और ये रही मेरी लैशेज, मुझे इतनी पसंद आई ये लगाई है मुझे नीलवे, यू डिड अ ग्रेट जॉब, शी इज माई स्टूडेंट बट इसने सच में बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्राउड फील कर रही हूँ ऐसे स्टूडेंट को पैदा करके। आज नीलवे आप लोग को चेंज लग रही है ना, बताएगा आपको नीलवे में क्या चेंज लग रहा है, बट शी इज नॉट माई फ्रेंड। छोटी बहन ने और अब हम लोग पीने लगे, चम्मच वाला जरूर तुम्हारा होगा। बिल्कुल आज का व्लॉग हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो हमने अपने हेयर वॉश करवाए, बहुत लेट हो गया हमेशा की तरह, लेट लतीफ जो है हम मैं हो गई थी तो मुझे नहाने के लिए इधर जाना पड़ा, तो खैर जल्दी से हेयर वॉश कराया है, स्ट्रेट कराया है, अभी जो है बस मेरा मेकअप करना है, दाना चलेगा। और यहाँ पर मैं बैठ चुकी थी अपना मेकअप करने के लिए। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी मेरा स्ट्रगल जब मैं लेंस लगाती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे इतना मुश्किल नहीं होती लेंस लगाने, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने जो इस चीज़ का एहसास हो कि मैं तकरीबन मेकअप से ज़्यादा टाइम इस पे लगाती हूँ कि मेरे लेंस लग जाए, क्योंकि मेरी आँखों में लेंस का चिपकना ऐसा है जैसे गधे को गाड़ी में बिठाना, या फिर ऊँट को रक्षे में बिठाना, या फिर ऊँट को पहाड़ के नीचे लेकर आना। गाइस मेरी मिसालें खत्म होंगी, लेकिन अब तक जो है मैंने लेंस नहीं लगाया, आप मुझे देख सकते हो मैं कितना दर्द में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आखिर आई हुई है कि मैंने लेंस लगाया। व्हाई गर्ल्स आर लाइक दिस। इसके बाद जो है मैंने प्राइमर लगाया, नार्स का ये बहुत अच्छा प्राइमर है। अगर आप लोग को मेरी आवाज सुनने में दिक्कत हो रही है तो आपका स्पीकर बिल्कुल ठीक, मेरे गले का स्पीकर खराब हुआ हुआ। फिर मैंने अपने ये काले धब्बों को छुपाने के पिंक शेड को इस्तेमाल किया, फिर मैं उसको हाथ से ब्लेंड किया, लगा वीडियो नहीं बन रही, फिर अचानक से देख के मैंने बंद कर दिया। यू नो गाइस टैप टैप करके लगाती हूँ मैं, मैंने तो कभी हाथों के साथ ब्लेंड नहीं किया। खैर इसके बाद जो है मैंने फाउंडेशन लगाया, ये क्योंकि वीडियो बन रही थी तो मैंने स्पंज से करा, नहीं तो मैं अपने हाथ से अच्छा सच में अपने हाथ से ब्लेंड कर, क्योंकि मेरे हाथ से जो ब्लेंडिंग होती है ना वो मुझे लगता है इससे नहीं अच्छी हो पाती। फाउंडेशन जी मैंने ली थी एमएलए की, बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन, बस अलहुदा के फ्लेवर की मेरे पास, मिस रोज़ के पास हर एपीके की हर फाउंडेशन पड़ी है, बट मुझे ये अच्छी लगी। बस हर किसी के अपने मसले होते हैं और मेरा मसला ये है कि मुझे ये पसंद है। और यहाँ पर मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी ना चीज़ें ढूंढने में, मेरी हर चीज़ ऊपर नीचे हो रही थी, तो फ्रेम में सिर्फ एक ही लड़की दिखी जो कि मेकअप करते हुए, लेकिन उसके पीछे जो है मेरी सासू बाप और मेरी अम्मी भी थी, तो उन दोनों को भी मैं गाइड कर रही थी कि ये वाला मेकअप ये लगा लो, या पर ये लगा लो, सब तीनों के पास था तो सबको प्रॉब्लम हो रही थी मेकअप को ढूंढे। आज जिंदगी में पहली मरतबा आपकी बहन ने जो है ऑरेंज शेड लगाया, वरना मैं सिर्फ ब्राउन और गुलाबी के अलावा मैंने कभी किसी और कलर पे गई ही नहीं। खैर मुझे लगा कि ऑरेंज अच्छा लगा, जब मैं इसकी पिगमेंटेशन देखी बहुत अच्छा लगा। मेरे मॉर्फी का जो पैलेट था वो गायब हो चुका है, बहुत दुख की बात है लेकिन हो चुका है। एक तो खुशी भी ऐसे आती है जैसे किसी ने चुटकी बजाई हो, चुटकी खत्म। मैं जानती हूँ मेरी मिसालें इतनी अच्छी नहीं होती, मैं समझाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। ऑरेंज लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर हल्का सा ग्लिटर लगाया, ज्वेलरी पे कोई वेयर नहीं कर रही थी, मैंने कहा चलो मेकअप से ही अपनी ज्वेलरी बना लेती हूँ। मेकअप वगैरह करके तैयार श्यार होके तो मैं थोड़ी देर सो गई, उनके बाद हाँ फेस पाउडर, मुझे थोड़ी देर सोना है, आई वाज फीलिंग वेरी अनवेल, मुझे हेडेक हो रहा था, तलिया से मुझे क्यों अजाब पड़ जाता, मुझे पता है शादी में मेरे साथ कुछ भी ना, मैंने बहुत दुआएं मांगी, बस अल्लाह करे शादी मेरी सही से गुजर जाए। तो गाइस ये है मेरा ड्रेस, वैसे वहाँ पर भी चल के दिखाऊंगी, ये कुछ मेरा ऐसे ड्रेस, कुछ इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ। मुझे जो पर्सनल पसंद है, मुझे इसके अलावा पसंद है कि जो इसकी शलवार का मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर जो है मैं मिली हीरा से, ये शादी पड़ी थी और मैं ज़्यादा किसी और के साथ तो वो लोग बुला नहीं रही थी, तो मुझे हीरा दिख गया, फिर मैं उसके साथ ही जैसे ब्लॉग शूट किया था, वहाँ पे मैं ज़्यादा किसी को नहीं जानती सिवाय दुल्हन के, शुक्र है वहाँ पर हीरा थी तो मुझे बहुत खुशी हुई और इसने मेरा वहाँ पर बहुत ख्याल रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सब हमारे आशिक है। Stop it! I'm looking more. I just look perfect. Look at my what do you call it?
is called jawline. Look at my jawline. It's not your jawline. Naina tomato jaisi lagti hai na. Excuse me. This is my vlog. Hum pata kya Naina ko na hum sab pyar se panda bulate hain. Acha naam hai na. Panda ni thal. Thal bulate hain logon ko. Nahi kaise bulate hain. Matlab chote logon ko pyar hi karna chahiye. Meri category na change karo. सो गाइस इस रस्म में जो है हमने जो है सिक्के से दुल्हा को और दुल्हन को मेहंदी लगानी थी और आसिफ भाई माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। हमारी दुल्हन तो बहुत अच्छी दिख रही थी लेकिन आप लोग को दिखा नहीं सकती उनका फेस क्योंकि उन लोग जो है अपना कोई पिक्चर्स वगैरह इसलिए मैंने ज़्यादा वहाँ पर भी शूट नहीं किया अपनी मतलब ऐसी पिक्चर्स वगैरह कभी भी वो लोग शो नहीं करते जो एक बहुत अच्छी बात है। मुझे इतनी खुशी हुई वहाँ पर जाके भाई मेरे भाई की शादी थी। जाहिर सी बात है भाई की शादी में बहनों को बहुत खुशी होती है। इस वाले भाई के लिए मैंने दुआएं भी बहुत थी कि बस जल्दी ही से शादी हो जाए। एक हफ्ता पहले ही मैं मतलब एक ऐसी ना इत्तेफाक की बात है एक हफ्ता पहले ही मैं बोल रही थी और देखो अचानक से शादी भी हो गई तो मुझे कितनी खुशी हुई होगी। और सबसे अच्छी बात दोनों जो है साथ में इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सामने देखो इसके पीछे कुछ है क्या होगा पहले ये बताओ होगा क्या एजी है तो खाने पीने का हाँ बिट्टू कैसे हो ठीक कैसा है बुखार अब तुम्हारा बस ठीक हो गया सही हो गया तो अच्छी बात है। खाने के बाद मेरा बहुत हेडेक हो रहा था बहुत गले में पेन आंखों में पेन मेकअप मैंने अपना सारा रिमूव किया है कपड़े अपने चेंज करने लगी हूँ और शर्ट पहनूंगी लूज़र ट्राउज़र पहनूंगी फिर जाके मुझे कुछ रिलीफ मिलेगा। तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं मेरा गला का जो है आखिरी टाइम चल रहा है गाइस वो सी रहे हैं हेलो गाइस मेरे कपड़े और मेरे इतने हसीन सिलने वाले ना गाइस कपड़े कैसे सिलेंगे कुली का फिराक है कुली का किसका कुली हमारी बिल्ली का नाम है गाइस नया नाम है हर दो दिन के बाद हमारी बिल्ली का नाम चेंज ऐसे ऐसे नीचे से ये इसको ऐसे हील के कुली मेरी हील के जितने टोटल लहंगा ये इसका जो है इनर का कपड़ा सिल रहा है फिर ये होगा फिर ये मेरी चोली का कपड़ा है कुर्ती सिएगा और ये लहंगा दुनिया बहुत था सच में बहुत हसीन है हसीन हाँ। मैं सिलवार थी ना मामू ने बोला वैसा नहीं सिलवाओ बोला मैं अपनी मर्जी तुम्हें सीख के दूंगा और ऐसा सीख के दूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे तो अब डिजाइन वो सब मामू ने अपनी तरफ से कर रहे हैं और वो अपनी तरफ से सीख के देंगे और फिर आप लोग बताना जज करना 100 में से आप कितने देते हो इस लहंगे को। ओके आज का व्लॉग जो है मैं वहीं पर एंड कर रही हूँ आई होप आप लोग आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं जानती हूँ बहुत छोटा व्लॉग बना है तो मुझसे जैसा हो सकता है मैं वैसा करने की कोशिश करती हूँ। मैं जब वहाँ पर भी गई थी तो मैं इवेंट में नहीं बैठ सकी बस जब मैं मेहंदी लगाने गई थी और रात में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम मैं दुल्हा और दुल्हन के साथ बैठी थी क्योंकि मैं बहुत मतलब ऐसे होती थी कि सोई रहूँ तो सारी बारात बाहर थी और मैं अलग एक अकेली रूम में सोई रही हूँ जितना टाइम हम लोग बैठे। हम लोग वहाँ में 5 बजे पहुँचे थे 5 से लेकर 9 बजे तक मैं रूम में ही थी। जब कुछ ज़्यादा ऐसे शोर होता था बाहर थोड़ा सा देख रही थी दरवाजे से फिर अंदर आ जाती क्योंकि मैं क्या करूँ कि मुझे बहुत पेन हो रहा था और मुझे ज़्यादा क्योंकि हम लोग बस में गए थे काफ़ी सारा टाइम उसमें बैठना पड़ा इस वजह से मैं वहाँ पर ज़्यादातर अटेंड नहीं कर पाई। आज तो मेरा गला बिल्कुल बंद है शुक्र है हफ्ते को था अब एतवार को कर दिए तो इंशाल्लाह जो एतवार का होगा इवेंट बहुत अच्छा होगा। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मैं भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ करूँ कि अच्छी दुआ में अच्छी अच्छी चीज़ें हमें याद रखेगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे मुझे भी अल्लाह हाफ़िज़।